हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायरी ऑफ लेडीज़। और आज इस वीडियो में मैं आपको तीन तरह के ब्यूटीफुल बो बनाना बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ कपड़ा ले लिया है, इसे हम डबल फोल्ड करेंगे, फिर इसे हम फिर से डबल फोल्ड करेंगे। ये फोर फोल्ड हो गया है। हमें फुल सर्कल कट करना है। यहाँ मैं 3 इंच ले रही हूँ। हम यहाँ 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। हमारा फुल सर्कल तैयार है। इसी तरह से हम एक और सर्कल कट कर लेंगे। अब इसे हम पूरे सर्कल में स्टिच कर लेंगे। यहाँ हमने स्टिच कर लिया है। अब इसे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। ध्यान रहे कि हमारा धागा नहीं कटना चाहिए। अब इसे हम बीच से थोड़ा सा कट करेंगे। यहाँ से हम इसे पलट देंगे। आप भी इसी तरह से करिएगा। हमने इसे पलट दिया है। इस तरह से हमारा बो रेडी हो जाएगा। इसकी नीचे की पट्टी के लिए हम एक कपड़ा ले लेंगे, इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। इसे फुल फोल्ड में हमने ले लिया है। आप भी इसी तरह से मार्क करिएगा। इसे हम कट कर लेंगे। अब इस पे हम स्टिच कर लेंगे। हमें इसमें बीच में 1 इंच स्टिच नहीं करना है। यहाँ से हम इस पट्टी को पलटेंगे। मैंने स्टिच करके ले लिया है। अब इस जगह से हम इस पट्टी को पलट लेंगे। मैंने इसे पलट लिया है और ऊपर एक स्टिच लगा लिया है। ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब हम बो के बीच की पट्टी के लिए 2 इंच चौड़ाई का एक कपड़ा लेंगे। आप चाहें तो इसमें स्टिच भी कर सकते हैं। मैं ऐसे ही फोल्ड करके ले रही हूँ। अब इस पे हम इस तरह से सुई धागे की सहायता से स्टिच लगा लेंगे। अब भी इसी तरह से स्टिच करिएगा। हमारा बो बनके रेडी है। दूसरे बो के लिए हम 3.5 इंच चौड़ा और 12 इंच लंबाई का कपड़ा ले रहे हैं। आप इसकी लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब इसे हम स्टिच कर लेंगे। हमने ऊपर से इसे स्टिच नहीं किया है, वहाँ से हम इसे पलट लेंगे। आप भी इसी तरह से करिएगा। अब इसे हम डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे हम पलट लेंगे और बीच से इसे हम पट्टी लगा लेंगे। जिस तरह से हमने पहले बो में पट्टी लगाई थी, उसी तरह से हम इसमें भी पट्टी लगा लेंगे। अब तीसरे बो के लिए हम कपड़ा ले रहे हैं। आप इसकी लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ 3.5 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा कपड़ा ले रही हूँ। इसे डबल फोल्ड करके चारों कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे। अब इसे हम बीच से कट कर लेंगे और इसे पलट लेंगे। आप भी इसी तरह से करिएगा। अब किसी नुकीली चीज़ की सहायता से इसे हम कॉर्नर से फिनिशिंग कर लेंगे। आप भी इसी तरह से करिएगा। अब हम सुई धागे की सहायता से इसमें बीच में सिलाई लगा लेंगे। मैं यहाँ मोती लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसमें बटन भी लगा सकते हैं।
हमारे बो बन के रेडी हैं। आप इसे ब्लाउज़, स्लीव्स, कुर्ती किसी में भी लगा सकते हैं, ये बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।